इंडिया न्यूज हेडलाइन अपडेट्स की कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 31 जनवरी से पहले निपटा लीजिए सारे काम। हड़ताल की वजह से बजट के दिन भी नहीं खुलेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका बैंकों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम बचा है तो उसे 31 जनवरी से पहले ही निपटा लीजिए, क्योंकि इस बार 31 जनवरी से लेकर 3 दिनों तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है, लेकिन बैंकों में उस दिन भी ताले लटके रहेंगे। इसकी वजह यह है कि बैंक यूनियनों ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है और 2 फरवरी को रविवार है। इस दौरान एटीएम में कैश की किल्लत होने की भी डर है, इसलिए बेहतर है कि तारीख नोट कर लें और बैंक के सारे काम पहले से ही निपटा लें। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर, पुलिस सेवा से बर्खास्त, गृह मंत्रालय ने दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। और घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर देविंदर सिंह को बर्खास्त करने की मांग की थी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस की इस सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है और वहीं देविंदर सिंह के खिलाफ दर्ज सारे मामलों की जाँच अब एनआईए को सौंप दी गई है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि संघ विचारक गुरुमूर्ति ने कहा है कि जेएनयू का डीएनए भारत विरोधी, इसे सुधारा जाए या बंद किया जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विचारक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के डीएनए में ही भारत का विरोध करना शामिल है। ऐसे में या तो जेएनयू में सुधार के लिए काम किया जाए, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत इस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाए। और बुधवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गुरुमूर्ति ने ये बात कही है। और आपको बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शुमार जेएनयू के कैंपस में 15 जनवरी को कुछ नकाबपोश लोग घुस गए थे और इन लोगों ने तोड़फोड़ की थी और छात्रों पर हमला किया था। इसी हिंसा के संदर्भ में गुरुमूर्ति ने ये बातें कही हैं। और दोस्तों आपको अगली खबर में बता दें कि दिग्विजय का पीएम और शाह पर बड़ा आरोप। कहा 370 पर मोदी ने जाकिर नायक के पास भेजा था दूत। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें सिंह ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस नायक का समर्थन करती रही है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी आधिकारिक रूप से डॉक्टर जाइक नायक का समर्थन नहीं किया है। और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस्लाम प्रचारक जाकिर नायक ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में धारा 370 के समर्थन को लेकर उसके पास एक दूत भेजा गया था। भेजे गए दूत से कहा गया था कि अगर वो सरकार के इस कदम का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह के सभी मामले वापस हो जाएंगे। और दोस्तों मैं एक खबर में आपको बता दें कि शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी के वंशज उदय नाराजे भोसले से मांगा उनके जीवन का सबसे बड़ा सबूत। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत ने उदय नाराजे भोसले से कहा कि वह सबूत दे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज हैं। संजय राउत ने ये मांग एक इंटरव्यू में की है, जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। इस दौरान राउत ने कांग्रेस ने राहुल गांधी को भी एक बड़ी नसीहत देने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने उदय नाराजे भोसले के बारे में कहा है, जिन्होंने शिवसेना की नीतियों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि शिवाजी के वंशज से मांगा उनके वंश के होने का सबूत और शिवसेना नेता और पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत ने बीजेपी नेता उदय नाराजे भोसले से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज होने का सबूत देने को कहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि CAA NRC के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मनोज तिवारी ने की है ये अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से धरना खत्म करने को कहा है। और 15 जनवरी की रात को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी दिल्ली को क्या हो गया है, CAA के विरोध में जो भाई बहन शाहीन बाग में सड़क पर धरने पर बैठे हैं उनसे अपील है मेरी कि इसे खत्म कर दें। ये समझे कि नागरिकता कानून से किसी भी मजहब के लोगों की नागरिकता नहीं जाने वाली है। और मनोज तिवारी ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि मैं दुखी मन से वीडियो बना रहा हूं। मेरी परेशानी इस समय की ये है कि शाहीनबाग में कुछ लोग CAA के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सड़क बंद है, जिसके कारण लाखों लोगों को 20 से 25 मिनट की यात्रा को 2 से 2.5 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है।
और दोस्तों आपको बता दें आपको कि आज से फास्टैग लगाना अनिवार्य, नहीं लगाया तो देना होगा डबल जुर्माना। जानिए क्या है इसके फायदे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अगर 15 जनवरी से देश के किसी भी नेशनल हाईवे से गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी पर फास्टैग होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर आपको डबल टोल टैक्स भरना होगा। जी हाँ, 15 जनवरी से देश भर में फास्टैग अनिवार्य हो गया है। नेशनल हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग लगाना जरूरी है और 15 जनवरी 2020 तक अगर आपने फास्टैग नहीं गया तो आपको डबल जुर्माना चुकाना होगा। और 15 जनवरी से सभी कारों में फास्टैग अनिवार्य हो गया है। और दोस्तों बता दें आपको कि संसद की कैंटीन में क्या बंद हो जाएगा नॉनवेज, मिलेगा सिर्फ शाकाहारी खाना। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि संसद की कैंटीन में नॉनवेज खाना मिलना बंद हो सकता है। संसद की कैंटीन में मांसाहार शाकाहार दोनों ही तरह का खाना मिलता है। अब माना जा रहा है कि संसद में सिर्फ शाकाहारी खाना ही मिलेगा। इसकी वजह संसद की कैंटीन को चलाने की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की IRCTC से लेकर प्राइवेट कंपनी को सौंपने की तैयारी है। जिन कंपनियों के नाम आगे बताए गए हैं वो शाकाहारी खाना ही बनाती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद की कैंटीन से नॉनवेज हटाया जा सकता है और संसद की कैंटीन में खाना परोसने की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की IRCTC के पास थी। अब इसे निजी हाथों में दिया जाएगा। दो कंपनियों के नाम सबसे आगे हैं। आपको बता दें हल्दीराम और बीकानेर वाला ये प्राइवेट वेंडर सिर्फ शाकाहारी खाने के बाजार में ही है। ऐसे में मुमकिन है कि सांसदों और स्टाफ को संसद की कैंटीन में हर तरह के खाने के बजाय सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। इनका नाम आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों बता दें कि केजरीवाल ने क्यों काटे 15 विधायकों के टिकट, मनीष सिसोदिया ने बताई है वजह। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष पर कहा है कि काम के आधार पर टिकट दिए गए हैं। सिसोदिया ने कहा कि पार्टी ने अपने स्तर पर सभी विधायकों के कामकाज का सर्वे करवाया और जनता की राय के आधार पर टिकटों का फैसला लिया गया है। जिनके टिकट कट गए हैं वो अब कई तरह के आरोप लगा रहे हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है और छवि देख दूसरी पार्टी के नेताओं को टिकट दिया है। आपको बता दें NDTV से एक बातचीत में सिसोदिया ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देने पर कहा, जिन लोगों को कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों में निशाना मिली वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी जनता के बीच छवि को देखते हुए चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि JNU हिंसा में नाम आने के बाद पहली बार सामने आई कोमल शर्मा, बोली वीडियो में दिख रही है लड़की मैं नहीं। जी हां दोस्तों हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 5 जनवरी को नकाब पोशों द्वारा छात्रों की पिटाई की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था और दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा के मामले में नकाब पोश लड़की की पहचान करने का दावा किया था। आपको बता दें वीडियो और फोटो के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कोमल शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन नहीं पहुंची थी और नोटिस के बावजूद ना आने के बाद पुलिस ने कोमल शर्मा को फरार घोषित किया है और वहीं पूरे मामले में पहली बार कोमल शर्मा का बयान आया है। आपको बता दें कोमल शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है। कोमल शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है और कहा है कि वीडियो फोटो में जो हाथ में डंडे लेकर दिखाई देने वाली लड़की है वो मैं नहीं हूं। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आएंगे भारत, जाने सरकार क्यों कर रही है इनवाइट। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का दौर जारी है और इन हालातों के बीच ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आ सकते हैं। सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी, भारत सरकार की तरफ से इमरान खान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट SCO के लिए इनवाइट किया जाएगा और इस वर्ष भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगर इमरान भारत आते हैं तो कई वर्षों बाद किसी पाकिस्तानी PM का ये पहला दौरा होगा। और दोस्तों मैं अगली खबर आ रही यूपी से, आपको बता दें मायावती का योगी सरकार पर हमला, बोली यूपी में कानून का राज नहीं जंगल राज है। जी हां दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बसपा प्रमुख ने कहा है कि कांग्रेस की तरह ही बीजेपी भी अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और मायावती ने कहा है कि कांग्रेस के समय में भी देश ने ऐसा ही दौर देखा था जिसके कारण जनता ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है। आपको बता दें मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नई पुलिस प्रणाली के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यूपी में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली है।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि CAA उन लोगों को नागरिकता देता है जो बीजेपी को फंड देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये कानूनी रूप से नागरिकों की नागरिकता छीनने और भगवा पार्टी को फंड देने वाले विदेशियों को नागरिकता देने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा विदेशों से चंदा पाने और काले धन को सफेद करने में मदद करते हैं, ये कानून उन्हें नागरिकता दिला रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दी, कुलपति अख्तर ने खटखटाया HRD मंत्रालय का दरवाजा। उच्च स्तरीय जांच की है मांग। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। कुलपति नजमा अख्तर ने मंगलवार को एक बार फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने 15 दिसंबर 2019 को विश्वविद्यालय परिसर में हुई पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और आपको बता दी, VC नजमा अख्तर इस घटना की 2 रिपोर्ट को पहले ही मंत्रालय को भेज चुकी हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की जांच की अपनी मांग की फिर से दोहराई है और यह मुद्दा उठाया है कि इस विषय में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दें, मुकेश अंबानी जानिए क्यों खरीद रहे हैं अनिल अंबानी की ये कंपनी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी और उनकी कंपनियां जब भी कुछ करती हैं तो खबर बन जाती है। और इस बार मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो कुछ ऐसा कर रही है। ये कंपनी मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की एक कंपनी को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे बताई जा रही है। और आपको बता दें, चर्चा है कि ये सौदा करीब 25,000 करोड़ रुपए में हो सकता है। अगर ये सौदा हो जाता है, ये जहां अनिल अंबानी को अपने कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी, वहीं मुकेश अंबानी की जियो और मजबूत हो जाएगी। यानी इस डील से दोनों को तगड़ा फायदा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि कोलकाता और प्रयागराज के बाद अब कोटा में भी शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि कोलकाता और प्रयागराज के बाद अब संशोधित नागरिकता कानून CAA के खिलाफ कोटा में भी दिल्ली के शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, कोटा में अलग अलग इलाकों की कई सौ महिलाओं ने ईदगाह मैदान में CAA के खिलाफ मंगलवार रात से विरोध प्रदर्शन करने शुरू किए हैं। और प्रदर्शन में शामिल एक महिला शिफा खालिद ने कहा है कि जब देश भर में महिलाएं CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो आखिरकार कोटा की महिलाएं पीछे क्यों रहती? ये नया कानून संविधान के खिलाफ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये CAA और NRC का जो कानून है, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें कि राहुल गांधी से मिले आदित्य ठाकरे। CAA बैठक में शिवसेना के बायकॉट के बाद हुई मुलाकात। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्यनाथ ठाकरे बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक में शिवसेना गैर हाजिर रही थी और आदित्य की इस मुलाकात को सहयोगी दल कांग्रेस को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। और बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना कांग्रेस NCP गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार दोनों युवा नेताओं की मुलाकात हुई है। और माना जा रहा है कि राहुल ने आदित्य को मंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी और दोनों ने राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दे पर चर्चा भी की। और आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि CAA से पहले सरकार ने भरोसे में नहीं लिया और भाजपा कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने केंद्र पर संशोधित नागरिकता कानून CAA पर किसी को भी भरोसे में नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है और कांग्रेस तथा भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा ने उनके इस आरोप को खारिज कर दिया है। मायावती ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र ने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया, ये अत्यंत दुखद है, इसलिए देश में हाहाकार मचा है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि मनोज तिवारी बोले हैं कि जरूरत पड़ी तो सांसदों को भी चुनाव लड़ाएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा में 22 साल का वनवास खत्म करने के लिए भाजपा पूरे दमखम के साथ तैयार है। और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और पार्टी दिल्ली विधानसभा में 45 सीटों का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ रही है और उम्मीद है कि पार्टी अपने लक्ष्य से अधिक सीटें प्राप्त करेगी। और प्रदेश अध्यक्ष मनोज से दिल्ली चुनाव को लेकर हिंदुस्तान के गौरव त्यागी और सज्जन चौधरी की भी विशेष बातचीत है।
और अब आपको बता दें कि इस मकर संक्रांति पर उड़ रही हैं CAA NRC के विरोधी स्लोगन वाली पतंगे। मांग में अचानक हुई वृद्धि। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में नागरिकता कानून CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन जोरों पर है। आंदोलनकारी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं और कहीं सड़कों पर भीड़ हाथों में तिरंगा पोस्ट बैनर लेकर निकल रही है तो कहीं लोग कानून विरोधी स्लोगन छापे टी शर्ट पहनकर लोग विरोध जता रहे हैं। और अब मकर संक्रांति के त्योहार पर कानून विरोधी स्लोगन वाली पतंगे जोरदार डिमांड में है। आज मुंबई के आसमान में कानून विरोधी स्लोगन वाली पतंगे चर्चा में रही। यूं तो मकर संक्रांति के त्योहार पर देश भर में पतंग उड़ाने की पुरानी रवायत रही है। और दोस्तों, अब जान लेते क्या कहा है नीतीश कुमार ने कि चुनावी साल में नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, 33 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का ऐलान। जी हां दोस्तों, हम बात करें नीतीश का चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक, राज्य सरकार के फंड से बिहार के 33 लाख परिवारों को घर बनाकर दिया जाएगा। और नीतीश कैबिनेट में मंगलवार को फैसला लिया है कि बिहार के ग्रामीण विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने ABP न्यूज से कहा है कि इस साल घर बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है और पीएम आवास योजना के तहत परिवारों को घर नहीं मिला है उनकी संख्या 32,86,000 है और चमकी बुखार यानी AES से पीड़ित परिवार की संख्या 4,565 इन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है मौसम का मिजाज। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी, जाने आज कहां होगी वर्षा और बर्फबारी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में रोज धूप हो रही है मगर तेज हवा की वजह से सर्दी अब भी जारी है और वहीं कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश के इलाकों में ठंड का सितम जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू व कश्मीर में भारी से काफी भारी बारिश बर्फबारी हुई है जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी देखी गई है। और आपको बता दें मौसम वेबसाइट स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।